மழை மழை வரும் அதில் நனைவோமே குளிர் காய்ச்சலோடு சிநேகம் ஒரு போர்வைக்குள் இரு தூக்கம் கொழு கொழு பொய்கள் சொல்லி என்னை வெல்வாய் அது தெரிந்தும் கூட அன்பே மனம் அது ஏதான் எதிர்பார்க்கும் वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की ये आई लुक मैंने क्रिएट किया है एक क्यू टिप से, जिसको हम ईयरबड भी बोलते हैं, उसी के साथ इस पूरी आई लुक को, ये रिवर्स स्मोकी आई लुक मैंने क्रिएट किया है। और ये इंस्पायर्ड बाय है स्मिता दीपक। उन्होंने अभी रिसेंटली काफ़ी, वैसे तो उन्होंने इस लुक के ऊपर काफ़ी ऑम्ब्रे एंड रिवर्स स्मोकी आई लुक क्रिएट किया है। सो आई ट्राइड माई बेस्ट, मेरे को जो अच्छा लगा मैंने उसी हिसाब से किया। और आप लोगों को ये मेरा ट्राई कैसे लगेगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। और डिस्क्रिप्शन में आई विल प्रोवाइड हर लिंक ऑफ दैट वीडियो, प्लीज़ वॉच एंड बताना मेरे को, जस्टिफाई करना। सबसे पहले हम प्रिसाइसली आईब्राउ, यहाँ पे मैंने आईब्राउ पेंसिल यूज़ किया है, जिसके साथ मैं अपने आईब्राउज़ को फिल कर लूँगी। सबसे पहले आईब्राउज़ को फिल करूँगी, जिसके साथ जो स्पार्स एरिया हैं जस्ट उनको ही फिल करना है। और ये आईब्राउ पेंसिल बहुत अच्छी है, बट ये एक प्राइसी प्रोडक्ट है फ्रॉम बेनिफिट। अच्छे से हेयर लाइक स्ट्रोक्स बनाऊंगी, ये बहुत ही प्रिसाइसली आपके हेयर लाइक स्ट्रोक्स इसके साथ बन जाते हैं, जिसके साथ बहुत नेचुरल आई लुक बनती है। और आज की जो आई लुक है जो मैं यहाँ पे करने वाली हूँ क्रिएट, उसको कोई भी ट्राई कर सकता है। सो अभी वेट एंड वाइल्ड का यहाँ पे कंसीलर लिया है इन दी शेड मीडियम टानी। आईलिड को क्लीन करूँगी अच्छे से, जिसके साथ बहुत ही क्लीन एंड नीट लुक आएगी। और इसे मैं एज अ प्राइमर भी यूज़ कर रही हूँ अपनी आईलिड के लिए। और ये पैक का ब्रश है, कंसीलर ब्रश, जिसके साथ अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी कंसीलर को। एंड अभी मेरे आईज़ के ऊपर यहाँ पे मैं सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ, जिसके साथ एक परफेक्ट विंग मेरे को मिलेगा। आप कोई भी स्कॉच टेप या ऐसी कोई सेलो टेप वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे मेबलिन न्यूड्स आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, जिसमें से ब्राउन कलर लेके अपने क्यू टिप के ऊपर रिवर्स की साइड में इसको ड्रॉ करूंगी एक लाइन। अब पूरे ब्राउन कलर को लेके हल्का सा इसको और भी ज्यादा कलर पे ऑफ देने के लिए पूरी यहां पे लोअर वाटर लाइन के ऊपर अप्लाई कर लूंगी सेम ब्राउन आई शेडो को। बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है बिकॉज क्यूटिप बहुत सॉफ्ट होता है। अब ब्लैक आई शेडो लेके उसी के ऊपर मैं सेम अपनी बट वेरी क्लोज टू माय वाटर लाइन यहां पे अप्लाई करूंगी। अच्छे से ब्लेंड करते जाना है आपने। एंड अभी मैं आपको टेप रिमूव करके दिखा रही हूं, आप देख रहे हैं परफेक्ट विंग मेरा ड्रॉ हो गया है विदाउट पुटिंग सो मच एफर्ट्स। एंड सेम ब्राउन शेड लेके अपनी अपर लिड के ऊपर बट वेरी क्लोज टू माई लैश लाइन यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है, अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। और सेम ब्लैक काजल लेके, आई शेडो लेके उसको ब्लेंड किया था। अब मैं यहाँ पे से हाईलाइटर शेड लेके अपने इनर कॉर्नर पे और ब्राउ बोन के ऊपर सेम क्यू टिप के साथ ही अप्लाई करूँगी, जिसके साथ एक बहुत ज़्यादा ब्लेंडेड और आईज मेरी ओपन लगती हैं जब आप ऐसे अपने ब्राउ बोन पे और कॉर्नर्स पे लगाते हो हाइलाइटर को। एंड अभी मस्कारा के साथ कोट करूंगी अपनी लैशेस को, ये मैं पर्पल का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से अपनी लैशेस को कर्ल कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं फॉल्सेस लगा सकते हैं, मैंने फॉल्सेस नहीं लगाई। एंड यहाँ पे मैंने काजल अप्लाई किया है, ये रिमेल लंडन का काजल है, बहुत ही अच्छा एक स्मज प्रूफ काजल है और काफ़ी अफोर्डेबल है। अब लोअर लैशेस को भी अच्छे से कर्ल कर लूँगी, मस्कारा के साथ कोट कर लेंगे। फॉर लिपस्टिक आई हैव यूज नायका की ये मिस्टी एंड मद्रास कापी, इन दोनों को मैंने मिक्स मैच करके अप्लाई किया है। आई होप यू गाइज ऑल लाइक माई दिस एफर्ट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
मुझे भर ले अपनी बाहों।